friends, this is your host Sajit Palala. Hope you're all fit and fine. जल्दी जल्दी ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है. पापा ने फोन लेके बुलाया कि नीचे आ कुछ जल्द मस्त चीज है देखते हैं. क्या हुआ? जा उसके बाद देखिए. थोरू यहाँ सो रहे हैं. अच्छा, और वो हेलू यहाँ सो रही है. इसकी आँख साफ करनी पड़ेगी पूरी. अभी इनके सोने का टाइम है. दोनों ने मानू वाला बेड कब जा रखा है. पूरा इनका हेला का बेड घर भी वहां रखा हुआ है. खिलौना भी यहाँ रखा हुआ है. ये वाला नया घर भी यहाँ रखा हुआ है. थोर भी यहाँ ही सोता है. मतलब ये पोर्शन है लगा, ये पोर्शन थोर का. सो जाओ बेटे, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ. हाँ, सो जाओ, सो जाओ, सो जा रे मोटू रे मोटू रे, सो जा रे, सो जाओ. आप लोगों को भाई कल वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई. इसको देखिए आ गया. ये तो मेटल नहीं लगाता आने में. इसको दिख गया ना मैं आ गया तो भाग के आ गया. थोरू तू यहाँ सोएगा? तू कैसे पैसे. सो जा, सो जा मेरे बेटे, सो जा, सो जा. चलो दोस्तों 4K60 में शूट कर रहा हूँ मैं ये क्लिप. और क्या करते हैं, पहले पानी भरते हैं इसमें. मैंने पापा को कह दिया था नीचे फिल्टर वाला पानी भर देंगे. वो मतलब बाल्टी में डाल देंगे तो मैं भर दूंगा. चल थोरू. और ये तो अपना खाना खा रहा है भाई. अंदर सफाई हो रही है. और मैं पानी की बाल्टी लेके जा रहा हूँ. आधी भरी पापा. बाल्टी कितनी कैपेसिटी नहीं है दोस्तों, हमारे फिल्टर कितनी कैपेसिटी थी. थोड़ा अपना खाना खा लेते हैं. चलो मैं ऊपर ले चलता हूँ. चलो भरते हैं पानी, जल्दी जल्दी चलते हैं. रंग कराने लग रहा है रवि अंकल. ये कैसा कलर है, येलो है या ग्रीन है? कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूछ के बताऊंगा. चलो एक हाथ से करके दिखाऊंगा. एक हाथ से होल्ड कर लिया है. देख सकते हो आप, एक हाथ से उठाया मैंने. नीचे देखो पत्थर साइड में हो गया. मैं तो कोई नहीं, चलता है भाई, चलता है. तो मैं तो उधर नीचे का वो सारे पत्थर साइड में हो गए. अब क्या करेंगे आप, जितना इससे पानी डल गया इतना और करेंगे. मतलब वो जो पीछे फिल्टर है ना उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए पानी. तो आप अभी इतना और भरेंगे. उसमें क्या करते हैं, आप टैप वाटर यूज करेंगे अपना. और उसमें अपना एंटी क्लोरीन डाल देंगे. मेन इशू क्या होते हैं फिशेज के लिए और प्लांट्स के लिए कि क्लोरीन नहीं होना चाहिए. वो बहुत दिक्कत करते हैं उनको. पर उसके लिए आप एक गिलास एंटी क्लोरीन डालते हैं. चलो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ये बाउल था इसके पौधे कहाँ चले गए. ये सारे पौधे उठा के मैं यहाँ ले आया हूँ. और ये इसमें आप डालेंगे इनकी, क्योंकि इनकी ना जड़ें सही चल रही हैं. आया पापा जी, थोड़ा जा. हाँ ठीक है, बाय. चल थोड़ा आ जा. आप दोनों एक काम करते हैं, आज पौधे सेट करते हैं. अब हमारे पास ये भी हैं, इनका भी यूज करेंगे कहीं ना कहीं तो करेंगे. रुक जा, बोल नहीं है थोड़ी है तेरा, हर चीज बोल दिखे. चलो भाई इनका यूज करते हैं. अलग अलग करके ये चल पड़ेगा. ये देखते हैं कहाँ लगाते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ करके. चलो गाइस मैं करता हूँ और फिर आपसे दिखाता हूँ. दोस्तों मैंने सेट करे तो हैं पौधे. ये यहाँ पे ये वाला लावर रॉक रखा है और उसके आसपास ये रखे हैं. ये रखने ये लगा दिए, ये लगा दिए. देखो ये थोड़ा जंगल क्षेत्र में लगाए हुए हैं. कैसा लग रहा है, पानी भी भर दिया ऊपर. और थोरू और हेला भी यहाँ पे आए हुए हैं मेरे पास. ये अभी ऊपर ही सोएंगे. तो अब मैं थोड़ी देर खाना खा लेता हूँ. ये खाली हो गया यार, इसको भरना पड़ेगा वापस. इसके पौधे निकाल लिए ना मैंने तो ये, और वो अंदर चली गई है. चलो खाना खा लेते हो. सुबह से कुछ भी नहीं खाया, दो वीडियोस अपलोड करी है, ये सब चीजें करी है. अब जाके फ्री हो तो खाना खाता हूँ, फिर मिलते हैं आपको. हेलो भाई, दोस्तों भैया ने अपने
भैया मतलब मैं वापस सी वर्ल्ड वाले भैया के पास आ गया हूँ, अपने एक्वेरियम में फिल्टर वगैरह डालना है ना, मैं सोच रहा हूँ स्टूडियो उठा के ले जाऊँ तो फिल्टर हीटर लगाना है, तो अभी थोड़ी ठंड सा ठंड का मौसम आ गया, तो आप लोग भी अपने एक्वेरियम्स में हीटर वगैरह लगा लो, तो और फिशेज भी देख लेते कौन कौन सी नई आई हुई है। यार ये देखो कितने सुंदर एंजल फिशेज है, मेरे को ये पसंद है, ये तो पक्का लेके जाऊँगा मैं 100%। ये और पीछे गोरामीज भी बहुत अच्छी अच्छी आई हुई हैं, इनके नाम नहीं पता मेरे को गोरामी का कौन सी गोरामी है ये, बट ये तो अपनी एंजल फिश है होगी, और इनका साइज़ बहुत बड़ा है यार, ये देखो इसका साइज़ कितना है, बहुत बड़ा साइज़ है। और अपनी फेवरेट फिश ऑस्कर, दो ऑस्कर हैं, ये पैरेट है, ये डॉलर है, वो सेवरन है, वो भी देखेंगे, मैं एक बार गूगल करता हूँ कि कितना साइज़ हो जाता है इसका, अगर ये अच्छी लगी तो अपन ये देख लेते हैं। बाकी एक और छोटू सा चीज है जो बहुत बढ़िया होती है, पर ये अकेली रहेगी, फ्लावर हॉर्न। ओए वो देखो फ्लावर हॉर्न, किस किस को पसंद है ये, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव फिश होती है, अरे इधर खुद ही आगे आ जाती है, ये देख पा रहे हो आप, हाँ यहाँ से दिख रही होगी, इसका हेड बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ से दिख रही है, आगे ना आगे मतलब ये एज अ डॉग रख सकता होता है ना, बुलडॉग या पाकिस्तानी बुल्ली वगैरह जो फुल खाते हैं और अकेले रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, ये वो है ये पूरे टैंक में एक ही रही और फुल डॉग की तरह रहती है, मस्त होती है ये भी, तो देख लेते हैं। या और ऑप्शंस भी हैं भैया कहते हैं, नीचे ऑस्कर और भी है भैया के पास, ये वाली ऑस्कर्स अगर और हैं वो भी देख लेते हैं, जो उनसी सेट बैठती है अपन वो ले लेंगे, पर सबसे पहले अपन ने लेना है हीटर। हीटर दिखाऊं कैसा होता है, सबको पता ही होगा ये वाला हीटर होता है, देखो ये ले लेते हैं अपन पहले, और फिर तो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, एक्वेरियम कुछ इस तरह दिख रहा है, और फिशेस भी आ चुकी हैं कुछ, मतलब 6 फिश आ गई है, और 6 और फिशेस का मैं भैया को कह रहा हूँ कि वो मंगा दो आप, वो कुछ स्पेशल फिश होगी, और ये भी कुछ स्पेशल ही है, और ये देखो कैसा लग रहा है एक्वेरियम, ये ड्रिफ्ट वुड है अपना, ये नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर अपना मनी प्लांट भी चढ़ जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया होगा। और यहाँ पे मैंने हीटर भी लगा दिया जो कि स्टार्ट हो चुका है, 28-27 टेम्परेचर रखा है अभी मैंने, सेट हो जाए तो सही है, और ये 150 वोल्ट का है तो चल जाना चाहिए, सही है भैया कह रहे हैं मोर देन इनफ है, तो देखते हैं अगर ज्यादा बढ़ेगी जरूरत हुई तो नया ले आएंगे भाई, लेकिन अभी इनफ है। और ये फिशेज अभी नहीं दिखाऊंगा, जब डल जाएगी तब दिखाऊंगा। तो भाई फिशेज डालते हैं अब, और फिशेज ऐसे नहीं डालेंगे, मैंने उस पॉलिथीन में जो पानी था वो नहीं लिया, ये एक्वेरियम का पानी है, और इनको थोड़ा एक तो ऊपर से फेंकेंगे वो गलत होता है, थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर आने देंगे, और जब ये अपने आप अंदर जाए तो ज्यादा अच्छा है, एक तो ऊपर से फेंक के मारे, खुद अपने आप को देखो आपको ऊपर से फेंक के मारे कैसा लगेगा, अरे ये खुद जाए। ये देखो इनके लिए बढ़िया हैबिटेट बन चुका है, अब धीरे धीरे सेट हो जाएगा, सब चीज सेट हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, थोड़ा सा पानी मैं कम कर देता हूँ क्योंकि वो फिल्टर के ऊपर से ना चला जाए, उसे थोड़ा सा कम कर देते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और पानी बिल्कुल साफ ही होना चाहिए, जितना पानी साफ रहेगा उतना अच्छा है भाई मछलियों के लिए भी, ऑब्वियसली बात है यार, एक साफ जगह होगी तो अच्छी रहेगी ना, ऑब्वियसली बात है, हमें भी अच्छा दिखेगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, ये साइडों वाली वॉल्स भी हो चुकी है वाइट, अब देखो आगे से प्रॉपर दिख रहा है, और डॉलर तो वहां जाके बैठ गई है, और ये यहाँ पे है भाई। अब एक काम करूंगा मैं थोड़ी देर के लिए लाइट बंद कर दूंगा ताकि ये सेट हो जाए, उसके बाद चलाएंगे। ऐसा सरप्राइज दूंगा, यूं कहोगे वहां बैठे चुमेश्वर, वहां मम्मी ऐसा सरप्राइज दूंगा, आप कहोगे चुमेश्वर, सारा परिवार आ गया, मानू को छोड़ के मानू वहां पे चंडीगढ़, चलो यहाँ खड़े रहो आंख बंद करके, ठीक है मैं जब बुलाऊंगा तब एंट्री लेनी है। तो दोस्तों लाइट के लिए थोड़ा रुकना क्योंकि मैंने सारी लाइट बंद करी है, और एकदम से दिखेगा तो और मजा आएगा, आ जाओ चलो, अंदर आके रिएक्शन दियो कैसा, जबरदस्त कैसा, सच सच्ची मतलब सही, इसका तैयार हो लग रहा है,
और ये देखा नीचे मछलियां बैठी, अब ये नई नई है, नहीं है ये इसी हैबिटेट की मछली है, ये देखो ये बैठी बैठी, कैसा लग रहा है पापा? देखा देखा इसका पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दीवार देख ना इसके, तुलसी का है ना तो ये अच्छा होता है मछलियों के लिए, पानी में भी सही रहेगा, ये ड्रिफ्ट वुड है पापा जी, ये ऐसे ही अब पता क्या सीन है, ना 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 कुछ नहीं गलता, ये देखो ये मछली अभी इसी के साथ सही रहेगी, ये मैचिंग मछली है, ये ऐसे अपडेट में रहती है, और ये जो ऊपर जा रहा है ना ये ऐसे एक फ्लो के साथ जा रहा है, और यहाँ पे भी मनी प्लांट चढ़ जाएंगे इसके ऊपर, अब समझ पा रहे हो? पीछे से ले आएगी नहीं भैया, ऐसे लेके आयो, सी वर्ल्ड वाला भी ऐसे ऊपर पड़ा था उनके पास, उन्होंने रखा हुआ था अपने लिए कि वो खुद लगाएंगे, अच्छा ये पूरा लेके आया हूँ मैं, ये एक डंडा है पूरा, अलग अलग नहीं है, वहां से लेके यहाँ तक पूरा एक है, तो उनसे उठा लाया है वो बंदा, पूरा एक्सपेरिमेंट करता रहता है ना, तो मछलियां सारी इसलिए ऐसे, और मछलियां भी और ऑर्डर कर रहा हूँ, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, हीटर भी हीटर भी लगा हुआ है इसमें, कैसा लग रहा है हीटर ये लगा हुआ, अब लगा है ना असली एक्वेरियम, अब जला लो, कैसा लगा पास बताओ, दंडवत प्रणाम, इसका पाउंड्री करियो, इसको दंडवत प्रणाम के पाउंड्री करो, पाउंड्री हर जगह दंडवत प्रणाम करने लग जाता है, पूरा शरारती हो रहा था, मैं मिटाई हूँ माथा को, लेकिन एक बात है ये जो तू फिश लेके आया है ये तो कलर मिट्टी का भी ऐसा हो गया, ये झाड़ का भी ऐसा हो गया, कहीं का दिख तो नहीं रही, ये तभी तो हैबिटेट है, और इनका जो असली हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे ये खुद छुप सके, मतलब शिकारियों से छुप सके, इनमें अभी तो कलर और आएगा, ये पीछे आप देख रहे हो वो दो लड़ रही है एक दूसरे से, वो मेल आ गई और दो साइड में फीमेल है, ये इनका नीचे है, ये गर्लफ्रेंड है जो ना ऑरेंज कलर, वो ऑरेंज है, इसके भी नीचे वाली पंख जो होंगी ना वो ऑरेंज होगी, एक्वेरियम का देखो पापा, एक होता है एक्वेरियम जिसके अंदर भाई हम सिर्फ मछलियां दिखाने के लिए होती है, जिसमें कुछ कोई भी मछली डाल दो चटक चटक रंग की होंगी और वो दिखेगी, और एक होता है असलियत चीज जो असली, अब ये असलियत है प्रॉपर, ऊपर से पानी गिर रहा है और ये नीचे माहौल सेम कलर के, ये लक्कड़ सेम कलर की मछलियां, ताकि इनको छुपने के लिए मिले, ये असली इनका जो घर होता है असली हैबिटेट ये है इनका, है ना असली चीज, मस्त कैसा लगा, और पानी कितना साफ है, और ये सबसे अच्छा लगा, इसकी ये दीवारें तूने जो करी है ये बर्फ जैसी हो गया, जैसे बर्फ की सीनरी है, इनके लिए क्या फायदा है, इनको ये दिखेगा कि भाई बंदा कोई बाहर से आता है तो यहाँ से ही आ सकता है, इधर उधर से ये छुप रहा है, इनको अखंड पंड दिख रहा है, बाकी अपने आप को सेफ समझेंगे, और ये देखो ना कितना असली, मतलब ये झाड़ सा जंगल सा होया हुआ है, मस्त नहीं बन गया ये, तो मैं ठा लाया, मैं मेरे को देखो थोड़ी कटिंग भी करी है मैंने, इतना ऊंचा था कटिंग करी है थोड़ी बहुत, यहाँ लगाए हुए हैं देखो, ये लगे हुए हैं ना, ये अलग से लगाए हैं, सही है ना, एक मस्त लग रहा है अभी तो इसमें, तो इतना ऊंचा पानी, मैं मछली आपको बताऊंगा तब समझोगे आप, देखना कैसी बनेगी, अभी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, आपको तो जब आएंगे तब दिखाऊंगा, सरप्राइज होगा, बहुत अच्छी फिश मंगाई है, ये बता देता हूँ 6 मंगाई है, चलो इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे, ओके बाय बाय, बाय बाय मम्मी पापा, बाय 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 बाय।